बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, बहुत खुश होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूं ही हम सबको और हमारे लव्स को खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है जी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग गुवाहाटी से निकलेंगे तो अब एक बहुत खूबसूरत सफ़र के लिए, तो बस उस सफ़र की हो गई है शुरुआत। हम लोग निकल चुके हैं और ये बस ट्रेन में बैठ चुके हैं, सेट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने शूट करना शुरू किया था और आज सुबह से ही ना गुवाहाटी में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बस। और रात तक जब हम घूमकर लौटे हैं रात में, तो मतलब मौसम ठीक ठाक था, कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ बारिश वाला सीन होगा। और उसके बाद से आधी रात के बाद से जो बारिश शुरू हुई है, तो मतलब बहुत तेज़ वाली बारिश थी। तो बारिश हो या कुछ भी हो, हमें तो निकलना ही था, हमारे तो टिकट्स थे। तो हम लोग बैठ चुके हैं राजधानी में और राजधानी में बैठने के बाद भी मतलब बारिश तो बंद है ही नहीं। तो अब ये सफ़र शुरू हो चुका है और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग गुवाहाटी से निकले हैं और गुवाहाटी से हम लोग जा रहे हैं जी वेस्ट बंगाल। और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल और सफ़र बहुत लंबा है, मतलब हमारी ज़िंदगी का ये, मेरे बच्चों की, हम लोगों की ज़िंदगी का ये इतना लंबा सफ़र ट्रेन से पहली बार होगा। और मतलब इतना लंबा, ये बहुत लंबा सफ़र था, मतलब 10 घंटे का सफ़र। 10 घंटे में तो हम लोग वेस्ट बंगाल पहुँचे थे और उसके बाद भी सफ़र जारी ही रखना था। मतलब बहुत लंबा, बहुत थकाने वाला और बहुत लंबा सफ़र होने वाला था। मतलब दिल्ली बहुत दूर थी, अभी दिल्ली हमें जाना नहीं था लेकिन दिल्ली बहुत दूर थी, मतलब बहुत लंबा सफ़र था ये। और बस यही था कि ट्रेन से जो साइड सीन और जो नज़ारे और जो खूबसूरत सीन व्यूज़ जो देखने को मिलेंगे ना, वो मतलब फ़्लाइट से नहीं हो पाएगा। जा तो हम फ़्लाइट से भी सकते थे, तो लेकिन फिर रखा कि नहीं ट्रेन का ही रखते हैं, ट्रेन से ही चलते हैं। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इतना लंबा हो जाएगा, मतलब थक जाएंगे क्योंकि इन बच्चों को आदत नहीं है बिल्कुल भी, ये आगरा दिल्ली रहे हैं हमेशा, कभी इतनी दूर नहीं गए। तो और अब तो आगरा भी इतनी दूर नहीं रहा, मतलब 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं और जब से गतिमान एक्सप्रेस हुई है तो 1 घंटे में भी पहुँच जाते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था हम लोगों को, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मतलब सफ़र था ना कि कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और देख रहे हैं ना आप लोग कितनी ग्रीनरी है, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और हरियाली तो मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में पहली बार यहीं देखी है गुवाहाटी में। और ये सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत था। और बस ये है बेलाकोबा और स्टेशन, और बस हम पहुंच गए हैं, पहुंचे हैं हम कहाँ, सिलीगुड़ी, मतलब वेस्ट बंगाल। तो आ गए हैं बंगाल में और अब देखते हैं हमें कहाँ जाना है, मतलब सफ़र अभी जारी है। अब ये हम लोग पहुँच गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, ये जो कि सिलीगुड़ी में है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी आ गई है और ड्राइवर जो है अब सामान लगा रहा है, मतलब एक और सफ़र। ट्रेन से उतरे तो फौरन ही नए सफ़र की तैयारी। और अब सब बैठ गए हैं गाड़ी में और अब सभी को लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। तो बस अब बंगाल में पहले हम अपना लंच करेंगे। लंच क्या, मतलब 5 बज चुके थे, 4, 4:30, 5 बजे का टाइम था ये कुछ। और हम लोग हैं सिलीगुड़ी में इस टाइम और वहाँ से निकल रहे हैं। और ये सब दुर्गा पूजा के पोस्टर्स और वहाँ के लोग, और मतलब बंगाल आए हैं तो ममता दीदी तो ज़रूर दिखेंगी ना आपको, तो वो भी दिख गई। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सड़कें, और बस इतना ही देखा था, हमें यहाँ पे स्टे नहीं था और पता नहीं क्यों हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया। अभी आप लोग आगे चलेंगे तो मतलब इसी बात का अफसोस रहेगा हमें कि हमें रात को यहाँ पे स्टे करना था, हमें रुक जाना था, क्योंकि जब 5 बजे हम यहाँ से निकले हैं तो वो नहीं निकलना था हमें। तो अब फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं लड्डू गोपाल, जो यहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और यहाँ हम खाने के लिए आए हैं और सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी क्योंकि ट्रेन का खाना तो मतलब चाहे राजधानी हो या कुछ भी हो, मतलब ट्रेन का खाना तो ट्रेन का ही होता है ना। तो बस अब यहाँ बैठ के खाएँगे खाना और यहाँ की मिठाइयाँ, मतलब बंगाली मिठाइयाँ सुना ही था और देख भी लिया और खा भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मतलब पहले हमारा प्लान था कि ये सब पैक करवाएंगे, सारे हमने कर लिया था, लेकिन फिर ये था कि बड़ा लंबा टाइम है, फिर यहाँ से हमें उसको जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लेके जाना है, फिर गुवाहाटी, फिर दिल्ली, मतलब इतना लंबा क्या इनको लेके घूमेंगे। तो फिर छोड़ दिया हमने, और जो भी खा सकते थे, जितनी थोड़ी बहुत पैक करा सकते थे, बस वो करा लिया। और अब हम खा रहे हैं खाना, मतलब खाना तो इतना अच्छा था ना यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त। तो बस सबने अपना अपना अलग अलग तरह का खाना ऑर्डर कर लिया था, किसी ने थाली, किसी ने डोसा, किसी ने छोले भटूरे, तो बहुत सारे प्लेट्स जो हैं वो टेबल पर इकट्ठे हो गए थे।
और सबने खा लिया खाना, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और अब हम निकल चुके हैं एक और सफ़र के लिए। मतलब ये जो सफ़र था बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, यही लग रहा था हमें कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और अब हम यहाँ से निकले 5 बजे। कहाँ के लिए हम लोग निकले हैं? गैंगटॉक के लिए, सिक्किम। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सिक्किम के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा सफ़र है। मतलब 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। तो आप लोग भी देखिए ये वेस्ट बंगाल से सिक्किम के सफ़र के खूबसूरत नज़ारे। तो देखा आप लोगों ने कितने हसीन नज़ारे, कितना खूबसूरत सफ़र। और मतलब हमें भी यही लग रहा था, और बस आगे आते आते तो पता नहीं क्या क्या लगा, तो देखेंगे आप लोग। तो ये हम निकल रहे हैं जी, ये चल रहे हैं हम सिक्किम के रास्तों पर, और बहुत ही मतलब ख़तरनाक रास्ते। और रात हो गई थी हमें थोड़ी ही देर बाद, 5 बजे हम वहाँ से निकले, और मुश्किल से हार्डली आधे घंटे के बाद रात होना शुरू हो गई थी। और ये पहुँच गए जी हम सिक्किम, और ये है सिक्किम का चेक पोस्ट, जहाँ से मतलब वेस्ट बंगाल ख़त्म होता है और सिक्किम स्टार्ट होता है। तो वही ड्राइवर यही बता रहा था कि सर यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, उसके बाद ही ये लोग गाड़ी आगे जाने देंगे। और सिक्किम में हम लोग एंटर कर रहे हैं अब। तो ये पहुँच गए हम लोग सिक्किम, और बस अब ये यहाँ पे देख रहे हैं थोड़े से रास्ता, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, ये लोग पूछ के जाने देते हैं। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जी चाय के लिए कुछ, मतलब ड्राइवर को पीनी थी तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और ड्राइवर को जो है चाय पीनी थी, वो चाय पियेंगे सब लोग, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मतलब रेस्ट क्या, थोड़ी देर गाड़ी से उतरेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चलते चलते, 4 घंटे हो चुके थे, और अब भी काफ़ी दूर था हमें पहुंचना था गैंगटॉक, और अभी काफ़ी टाइम था। और यहाँ आते आने तक तो हमें एहसास हो गया था, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रही थी, कि बस यहाँ आने तक और ये जो रास्ते चल रहे थे ना, यहाँ आके हमें एहसास हो गया था कि हमें नहीं आना चाहिए था रात में, हमें स्टे करना था हमें सिलीगुड़ी में। उस टाइम 5 बजे नहीं होता आपका टाइम पहाड़ों पर चढ़ने का, बिल्कुल नहीं होता। और इस तरह के पहाड़, मतलब ये वो नॉर्मल पहाड़ नहीं है मसूरी शिमला वाले, मतलब वैसा नहीं था, मतलब बहुत खौफनाक। ये इतना खूबसूरत सफ़र कब इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना हो गया समझ में नहीं आया। मतलब ये जो सीन मैंने सारे लिए हैं ना, ये वहाँ वहाँ के लिए हैं जहाँ थोड़ी रोशनी थी, जहाँ कुछ दिखाई दे रहा था। तो मतलब बाकी तो सारा जो सफ़र था ना, ये जो पॉइंट था ना जहाँ गाड़ी जाके मतलब क्या हिल रही थी, क्या हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। और बच्चों को लेके आप इस तरह के सफ़र पे, वो भी पहली पहली बार, मतलब लगता है डर, वो जो डर एक अंदर लग रहा था ना, वो कोई किसी से बोल नहीं रहा था लेकिन सबको लग रहा था। इवन मुझे लगता है ड्राइवर भी इतनी संभल के गाड़ी चला रहा था, इन लोगों को बहुत प्रैक्टिस होती है, वहीं के ड्राइवर होते हैं। और यहाँ लगा हुआ था जी जाम, क्योंकि यहाँ हो गई थी लैंड स्लाइडिंग, और कुछ ही देर पहले हुई थी, कुछ ही देर। और ये टाइम जो हमने देखा है ना, गाड़ी रिवर्स करनी पड़ी थी यहाँ से हमें, मतलब बैक करनी पड़ी थी। पहाड़ पे जब आप गाड़ी बैक करते हैं तो उसका मतलब समझते हैं कि गाड़ी खुद ही पीछे होती है, आप कुछ नहीं कर रहे होते उसमें। और कैसा वक्त था ये, कैसा टाइम था, समझ में नहीं आ रहा था। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत हमारा सफ़र, और इस तरह का हो जाएगा। तो बस अब ये हम पहुंच गए गैंगटॉक, और बहुत सीन मैंने बहुत कम कम लिए, मतलब नहीं लिया जा रहा था। वो जो डर लग रहा था ना, और वो वाले सीन इसमें कैमरे में आ भी नहीं रहे थे, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि इधर क्या है और इधर क्या, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक तरफ आपको पहाड़ दिख रहे थे और एक तरफ सिर्फ अंधेरा, अंधेरा मतलब खाई,
कुछ नहीं, उसमें सिर्फ ब्लैक दिख रहा था। नहीं समझ में आ रहा था ये कहाँ गाड़ी चल रही है, किस साइड पे चल रही है। और बस हम पहुँच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब जितना उस मालिक का शुक्र अदा करा जाए। इस सफ़र से निकल के गैंगटॉक, और गैंगटॉक में पहुँचती मौसम वहीं से ख़राब चल रहा था, थोड़ा 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 थोड़ा, कहीं बारिश कहीं कैसा कहीं कैसा। और यहाँ आते आते तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बहुत, और अब सभी को लग रही थी बहुत तेज़ ठंड, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एकदम से। और अब हम पहुंच गए होटल, और बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम रूम तक पहुंच गए थे। और इब्राहिम को तो बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इतना लंबा सफ़र और फिर 5 घंटे तक पहाड़ों पे गोल गोल घूमने से होता है वोमिटिंग वाला एक फ़ील होने लगता है, तो वो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसने खाना भी नहीं खाया, बस उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पहुँच के बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खाना ऑर्डर किया, और अब खाना खा रहे हैं। और अब भी जो है मतलब इतनी तेज़ बारिश है यहाँ पर, बहुत तेज़। तो बस आज के अपने सफ़र वाले ब्लॉग को, मतलब डर वाला सफ़र कैसा वाला समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी, और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पहुंच गए थे खैरियत से, तो उसको करूंगी मैं एंड। और कल होगा जी हमारा गैंगटॉक में फर्स्ट डे, तो गैंगटॉक की खूबसूरती को देखने के लिए और सिक्किम घूमने के लिए आप लोगों को जी देखना होगा नेक्स्ट ब्लॉग। ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने सब कुछ अच्छा रखा, तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।